एक बात आपने भी नोटिस करी होगी कि जो लोग पहले आते हैं वो लोग हमेशा विदाउट कॉम्पिटिशन आगे बढ़ जाता है, लेकिन उनके बाद जो लोग आते हैं वो लोग हमेशा भीड़ बन जाता है, जिससे कि उनके लिए भीड़ को ही हराना मुश्किल हो जाता है, यानी कि कॉम्पिटिशन को बीट करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने नोटिस किया है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि हम आते हैं यूट्यूब पर बड़ी उम्मीद से कि हम पैसे अर्न करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन जब हम किसी टॉपिक को सोचते हैं वीडियो बनाने के लिए और गलती से उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो हमें सच्चाई के साथ सेम टॉपिक पर हजारों वीडियोस मिल जाती है। ऐसे में हमारा मनोबल टूट जाता है, फिर हम सोचते हैं कि चलो यार दूसरा टॉपिक देखते हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक पर भी यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिलती है। ऐसे में ग्रो करें तो करें कैसे? देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप यूट्यूब पर ग्रो कैसे कर सकते हैं, बल्कि ये वीडियो एक कॉपी पेस्ट मेथड के ऊपर है जो कि काफी यूनिक है, जिस पर आप काम करके पैसे अर्न कर पाएंगे। लेकिन हमें लगा कि ये सब बातें आपको जानना जरूरी है, इसलिए हमने सोचा कि बता देते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप ग्रो होना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन को बीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूनिकनेस दिखाना होगा। यूनिकनेस आप दो तीन तरह से ला सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो बोलने के अंदाज में यूनिकनेस लाकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आप समझाने के अंदाज में यूनिकनेस लाकर लोगों को खींच सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी कैटेगरी चुनो जो कि सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए काफी अच्छा और यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं, कैटेगरी लेकर आए हैं, जिस पर आप काम करके इजीली ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर, इस काम पर अभी तक किसी ने भी काम स्टार्ट नहीं किया है। इसीलिए जो भी इसमें काम स्टार्ट करेगा ग्रो होगा, क्योंकि इसका डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो आपको यहाँ पर सप्लाई करना है, मतलब वीडियोस बनानी है, जिससे कि आप इजीली ग्रो हो पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें। तो इससे पहले कि कॉम्पिटिशन क्रिएट हो, फटाफट काम करो, काम स्टार्ट करो, ग्रो हो जाओ और पैसे कमाओ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल में। गूगल में आने के बाद सर्च करना है गालिब की शायरी। आप यहाँ देखो, हमने सर्च किया गालिब की शायरी, तो यहाँ पर देखो आप शायरी आई है, गालिब की शायरी, बेस्ट शायरी, उसके बाद टॉप 30 शेयर, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप चाहो तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो सब सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कबीर दास जी के दोहे सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये सब हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। अभी आप कुछ भी मत पूछना और कुछ भी मत सोचना, बस आप देखो वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ शायरियों को उठाएंगे, जैसे कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करूँगा और देखूँगा कि ये कौन सी शायरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर देखिए कितनी सारी शायरी है, और इनमें से जो शायरी हमें अच्छा लगे उस शायरी को डाउनलोड करना है। वैसे तो गालिब का हर एक शेर लाजवाब है और मुझे पसंद भी है, लेकिन उनमें से दो शेर ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। दूसरा, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे बुझाए ना बने। तो ये दोनों शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन शेरों के मतलब हर किसी को पता नहीं होता है, जो कि आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। लेकिन गालिब जी के ऐसे और भी शेर हैं जिनमें ऐसे शब्दों को यूज़ किया गया है जिनका मतलब एक नॉर्मल बंदे को पता ही नहीं होता है, यानी कि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता है, क्योंकि अक्सर जो गालिब के शेर हैं वो या तो उर्दू में है या फिर फारसी में है। उसके बाद कबीर दास जी के दोहे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि कबीर दास जी के दो दोहे हैं। पहला, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। और दूसरा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये सब जो दोहे हैं ये सब कबीर दास जी के हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि इन दोहों का मतलब भी लोगों को पता नहीं होता है। अभी हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि क्या करने वाले हैं हम, बस आप देखते रहिए। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे गालिब क्लासिक शायरी विद हिंदी, तो आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी। आप यहाँ पर देख लो, ये देखो, ये देखो, और आप देखो हर एक वीडियो में लाखों में व्यूज़ है। यहाँ देखो आप 4 लाख, 5 लाख, उसके बाद यहाँ देखो आप 31 लाख। और पता है ये जो शायरी है ये सब शायरी का मतलब भी ये लोग नहीं बताया है। यहाँ पर होता ये है, मैंने देखा है कि यूट्यूब पर गालिब की शायरी हो या फिर अल्लामा इकबाल की शायरी हो या फिर कबीर दास जी के दोहे हो या फिर चाणक्य के नीति हो, ये सब को लोग हिंदी में जानने के लिए लोग पागल है, लेकिन कोई भी इनको हिंदी में नहीं बताता है। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि ये सब हिंदी में है, लेकिन असल में इसमें हिंदी में नहीं है, उर्दू में है, फारसी में है। लेकिन फिर भी आप व्यूज़ देखिए, हर वीडियो में लाखों में व्यूज़ है। अगर मैं आपको दिखाऊं प्ले करके कोई भी एक, जैसे कि ये वाला प्ले करूंगा, आप यहाँ देखो लिखा हुआ है कितनी अजीब है, नेकियों की जुस्तजू गालिब, जुस्तजू क्या है, नहीं समझ पा रहे ना। उसको देखिए, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए लिखा हुआ था। तो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड होता है जिसका मतलब लोगों को पता नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी पूरी शायरी या फिर पूरे पूरे शेर का मतलब भी पता नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पूरे पूरे शेर को हिंदी में, हमारे लैंग्वेज में, मतलब जो भी हम हिंदी बोलते हैं, प्योर हिंदी नहीं बल्कि जो हिंदी हम बोलते हैं, उस हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कि आपके माइंड में सवाल आए कि गालिब जी के शेर कौन सुनेंगे और कबीर दास जी के दोहे कौन सुनेंगे, इससे क्या ग्रोथ मिलेगी,
मैं आपको बता दूं, जी हाँ ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ देखो आप, डियर ज़िंदगी, उसके बाद गुलिस्तान। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, चैनल पर जाऊँ, अगर हम गालिब की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, गालिब की दिखा दें हम नीचे आएंगे, यहाँ देखो आप गालिब 84,000, ठीक है, बाकी में क्या है 41,20, ठीक है, नीचे आइए, यहाँ देखो आप, ये तो मुनावर साहब हो गए, उसके बाद यहाँ देखो आप गालिब 838,000, यहाँ देखो आप गालिब और अल्लामा इकबाल जी 16,00,000 व्यूज़, यहाँ देखो आप गालिब, यहाँ देखो आप 2,00,000 व्यूज़, फिर से आएंगे गालिब के पास, देखो आप यहाँ पर गालिब जी हैं, यहाँ पर देखो आप 31,00,000 व्यूज़। मतलब गालिब जी के शेर के सभी लोग दीवाने हैं, यहाँ तक कि मैं भी दीवाना हूँ, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर आप हिंदी में प्रोवाइड करते हैं तो आपका चैनल चलेगा, और मुझे लगता है कि 99% चलेगा, क्योंकि इस टॉपिक पर अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है और कोई भी गालिब जी के शेर को हिंदी में प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि गालिब जी का हर एक शेर या तो उर्दू में है या फिर फारसी में है, जिससे कि लोगों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी लोग गालिब जी के शेर के दीवाने हैं। इसके लिए हम आएंगे गूगल में, गूगल में आने के बाद सर्च करेंगे गालिब की शायरी, तो यहाँ पर आप देखिए सब कुछ रोमन में लिखा आया है, रोमन में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इन हिंदी ताकि हिंदी में लिख, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर करना ये होगा कि यहाँ पर जो गालिब के शेर है तो ये सब शेर को डाउनलोड करना है। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि वॉल पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर अलग अलग पेज भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद या फिर डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फ़ोन में काइन मास्टर ऐप को ओपन करना है। काइन मास्टर ऐप में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इमेज एसेट पर क्लिक करके कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके, मीडिया पर क्लिक करके एक रफ पेपर लेंगे। अगर आपके पास रफ पेपर नहीं है तो आप आएंगे गूगल में, गूगल में आने के बाद सर्च करेंगे रफ पेपर, तो आपको यहाँ पर रफ पेपर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे हैं, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे डाउनलोड कर लेना, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, और उसके बाद ये भी है, ये भी है, ठीक, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको आना है कैनमास्टर में, कैनमास्टर में आने के बाद रफ पेपर को इम्पोर्ट कर लेना है। रफ पेपर लेने के बाद जितनी बड़ी हम वीडियो बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी इस वीडियो को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रफ पेपर है इसको भी बड़ा कर लेंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ, यहाँ पर आने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उस शायरी को पेस्ट करेंगे, लिखेंगे जिस शायरी का हम मतलब निकलना चाहते हैं या फिर जिस शायरी को हम वीडियो में देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, आ गया, ठीक है, ओके कर देंगे, आ गया, उसको बढ़ा देंगे और फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे, कोई भी ले लेंगे फॉन्ट जो अच्छा लगे। तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे, कलर पर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर लेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर जो आउटलाइन है आउटलाइन पर क्लिक करके वाइट आउटलाइन लगा देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देंगे। अब चलिए हम इस शेर का मतलब निकालते हैं। देखिए आप चाहें तो इस शेर को लेकर तीन तरह से वीडियो बना सकते हैं। पहला, या तो इस शेर में जो मुश्किल वर्ड्स है उस वर्ड्स का सिर्फ मीनिंग दे दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये शेर है और इसमें क्या लिखा है, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे बुझाए ना बुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आतिश वर्ड है, आतिश वर्ड का मतलब हर किसी को पता नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आतिश, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट देकर लिख देंगे आग, क्योंकि आतिश का मतलब आग ही होता है। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे, आप हिंदी में लिखना, ठीक है, उसके बाद इसको नीचे कर देंगे, उसके बाद इसका भी कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका मतलब पता नहीं है या फिर आप मतलब निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप आएंगे गूगल में, गूगल में आने के बाद सर्च करेंगे आतिश का मतलब, लिखेंगे बस इतना ही तो आपको मीनिंग मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आतिश नाम का मतलब, यहाँ देखो आप अग्नि, ठीक है, अग्नि मतलब आग, ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस वीडियो को बना लेंगे, आ गया सिंपल। तो जो भी मुश्किल वर्ड होगा उसका मीनिंग नीचे दे दो, इससे होगा ये कि जो भी पढ़ेगा या फिर जो भी सुनेगा उनको समझने में आसानी होगी। या फिर दूसरी तरह से आप वीडियो ये बना सकते हैं कि आप इस शेर का पूरा पूरा मतलब लिख सकते हैं। पूरे शेर का पूरा मतलब निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप इस शेर को ध्यान से पढ़ो और समझो कि इस शेर में कहा क्या गया है। जैसे कि इस शेर में कहा गया है कि इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, इसका मतलब ये है कि इश्क पर यानी कि प्यार पर किसी का भी जोर नहीं है, ये वो आग है कि लगाए ना लगे और बुझाए, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी से प्यार करूं तो आपको प्यार नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो फिर आप चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पाएंगे, यही मतलब है, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले एक शेर पढ़ा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से न टपका तो फिर लहू क्या है। अकॉर्डिंग टू मी इस शेर का मतलब ये होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो खून है वो हमारे खानदान में से है, ठीक है, यानी कि हमारे खानदान में जो खून दौड़ता है वो हमारा है
और हमारे अंदर जो खून दौड़ता है वो हमारे खानदान का है। इसका मतलब ये है कि हम लोग आपस में कनेक्टेड है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप मुसीबत में पड़ गए लेकिन किसी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको तकलीफ हुई लेकिन किसी ने भी आपके खानदान में से या फिर आपके भाई ने दर्द को नहीं समझा। तो ऐसे में गालिब जी कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि आपका खून आपके खानदान में से दौड़ता है और आपके खानदान का खून आपके अंदर रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आंखें से ना टपका तो फिर लहू क्या है, जब उनको दर्द ही नहीं हुआ, जब उनको आपको लेकर आह ही नहीं हुआ, आंसू नहीं निकले, तो फिर हम कैसे मान लें कि खून दौड़ता है। तो इस तरह से आप किसी भी शेर को समझकर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। किसी भी शेर का मीनिंग निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आएंगे गूगल में आने के बाद उस शेर को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे गज़ल, तो आपको उस शेर का पूरा गज़ल मिल जाएगा। फिर आप पूरे गज़ल को पढ़कर भी समझ पाएंगे कि इस गज़ल में क्या कहा गया है, ठीक है। तीसरा तरीका ये भी है कि आप आएंगे लिफोबिट ऐप में, हमारी जो ऐप है उसमें आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे महान शायर में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, ठीक है। जिस भी नाम पर आप क्लिक करेंगे उसके सारे शेर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लामा इकबाल है, गालिब है, गालिब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें उनके सारे शेर आ गए, यहाँ पर बने हुए हैं और मीनिंग के साथ है, मतलब जो भी हार्ड वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, उसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो गूगल से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कायल है तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे कायल मीनिंग इन हिंदी, तो यहाँ पर देखने को मिल गया, देखिए यहाँ पर मानने वाला, कबूल करने वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको मीनिंग मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप गालिब जी के शेर पर ही बनाओ, आप चाहें तो अल्लामा इकबाल जी के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर कबीर दास जी के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर चाणक्य जी के ऊपर भी बना सकते हैं, मतलब जहां भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उन पर काम करिए। तो इस तरह से आप वीडियो बना लीजिए, हम इसको बड़ा कर लेंगे और जहां तक हम ये रहेगा वहां तक कर लेंगे, जैसे कि यहां तक रहेगा, ठीक है। यहां से हम कट कर लेंगे इसको, और जैसे कि हम कट कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर करेंगे। ओवर करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट रेक पर क्लिक करके ओवर कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरी ऐप से रिकॉर्डिंग करके ऑडियो पर क्लिक करके ऑडियो को एड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें कि मैंने किस तरह से बनाया है। मिर्ज़ा गालिब साहब बहुत महान शायर थे। महान शायर इसलिए भी थे क्योंकि उनके हर एक शेर में दर्द भरा है, हर एक शेर में रियलिटी छुपी है। चलिए मैं आपको मिर्ज़ा गालिब साहब के एक शेर पढ़ के सुनाता हूँ। शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त नाशे, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। इस शेर से गालिब साहब ये कहना चाह रहे थे कि दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है कि सारे दोस्त नसीहत करने वाले हैं, सारे दोस्त नसीहत करते हैं, जब मुसीबत में पड़ते हैं तो साथ देने के बजाय नसीहत करते हैं, सलाह देते हैं, एक ऐसी दोस्ती है। कोई एक ऐसा दोस्त होता जो गम बांटता, दर्द बांटता, दर्द में साथ रहता, जिससे मिलकर आधा गम आधा दर्द खत्म हो जाता। आपने देखा ना हमने कैसा बनाया है। तो आपको भी सेम इसी तरह से ऐसी ही वीडियो बनानी है। अगर आप इससे अच्छा बना पाते हैं तो अच्छा बनाइए, अगर आप इससे अच्छा नहीं बना पाते हैं तो कोशिश करिएगा कि कम से कम ऐसी बने ताकि आपको ग्रो होने में हेल्प मिले, ठीक है। अगर हम बात करें टाइटल की, टैग्स की, डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पर आपको टैग्स में कुछ खास टैग्स डालने हैं, जैसे कि गालिब की शायरी, गालिब की ओल्ड शायरी, क्लासिक शायरी, शायरी विद हिंदी लैंग्वेज, इस तरह से आपको टैग्स लिखना है। देख लो आप यहाँ पर टैग्स आ रहे, मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइटल की, तो टाइटल में हमेशा आपको क्लासिक शायरी यूज़ करना है, जैसे कि 5 टॉप क्लासिक शायरी विद हिंदी मीनिंग, इस तरह से आपको टाइटल देना है, जैसे 10 टॉप क्लासिक शायरी विद हिंदी मीनिंग, ठीक है।